हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 25। ये केजी क्लास की वर्कशीट है, डेट है आपकी 19 जुलाई। यहाँ पे आपको अपना नेम, यहाँ पे आपको अपने टीचर का नेम फिल करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की जो वर्कशीट का जो टाइटल है वो है माई होम, मेरा घर। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आज हम जानेंगे कि आमतौर पर कौन कौन से कमरे होते हैं। जब हमारा कोई घर होता है तो उसमें कौन कौन से कमरे होते हैं ये हम आज जानेंगे। बेडरूम होता है, स्टडी रूम होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है और लिविंग रूम होता है, ठीक है। तो ये 6 तरीके के रूम होते हैं। सेकंड है आपका, आइए मिलकर गीत गाएं। सुंदर प्यारा मेरा घर, सबसे न्यारा मेरा घर, सर्दी गर्मी वर्षा से मुझे बचाता मेरा घर, चोरों और जानवरों से सदा बचाता मेरा घर, सुंदर प्यारा मेरा घर, सबसे न्यारा मेरा घर। ये थी पोयम। आगे चलते थर्ड क्वेश्चन। चले नीचे दिए गए चित्रों में से घर की साफ़ सफाई में काम में आने वाली चीज़ों पर गोला लगाइए। तो घर की साफ़ सफाई के काम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये देखिए, ये हैंड वॉश के काम आता है, घर की सफाई के काम नहीं आता है। ये डस्टबिन, नेल कटर भी नहीं, ये एंड जिससे हम जाले वगैरह साफ़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है घर की साफ़ सफाई के काम में आते हैं और ये सारी चीज़ें हमारी साफ़ सफाई के काम में आती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आइए अब हम घर का चित्र बनाकर रंग भरें और देखिए मैंने ऐसा बनाया है। तो ये किसी ने घर बनाया है, किसी बच्चे ने, आपको भी इस तरीके से घर का चित्र बनाना है। अब देख लेते हैं वर्गों के लिए क्या सुझाव दिया गया है। घर को साफ रखने के लिए बच्चों को छोटे छोटे काम जैसे कि उनके कपड़े, खिलौने आदि सही जगह पर रखने तथा कूड़ा कूड़ेदान में डालने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।